लाइक यू सेड मैं लॉयर हूँ तो थोड़ा नेचुरल चॉइस हो जाती है टू गो फॉर लॉ डिस्पाइट द फैक्ट दैट लॉ इज नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सो हाईएस्ट मार्क्स ओवर अराउंड 300 जो बाकी ऑप्शन से 350 तक चले जाते हैं बट आई स्टिल थिंक लॉ इज़ अ गुड ऑप्शनल एंड वाई मैंने इसको चूज़ किया कुछ रीजन्स के लिए पहला तो अगर आपने 5 साल लॉ पढ़ा है या आपने 3 साल लॉ पढ़ा है यू हैव दैट नॉलेज यू माइट एज वेल मेक यूज़ ऑफ इट आपको सिलेबस कवर करने में या क्वेश्चन समझने में बहुत कम टाइम लगेगा एंड वो अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन देन पुट इन अदर पेपर्स सो ए इट्स बिकॉज आई हैव स्टडीड इट सो इट बिकम्स ईजी फॉर मी दूसरा लॉ ऑप्शनल बहुत टेक्निकल है सो अगर आपने एक बार सिलेबस खत्म कर दिया जो आई एग्री ह्यूज है बट अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है देन इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट देयर इज वेरी फ्यू चांसेस ऑफ यू गोइंग रॉन्ग तो अगर आपने लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे ही थोड़ा सा मैथ्स टाइप जैसे टेक्निकल हो जाता है इट्स नॉट अ वेरी सोशल साइंस सब्जेक्ट